वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुकुतलम में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बची हुई खीलों से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चटपटा नाश्ता बनाना बताऊँगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने खीले ले ली हैं। आप जिस हिसाब से नाश्ता बना रहे हैं उस हिसाब से खीलों की क्वान्टिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खीलों को अच्छे से धो लेना है। अगर इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए पानी में भी डाल के रख सकते हैं, बट इस तरह से हमें अच्छे से इनको धोना है, क्योंकि खीलों के ऊपर क्या होता है ना, ढेर सारी डस्ट होती है, तो उसको भी निकालना है और थोड़ा सा हमें खीलों को फुलाना भी है, इसलिए मैंने पानी में इनको धोया भी है। तो इस तरह से चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए हमें पानी में डिप करके रखना है खीलों को, और उसके बाद हमें इनको निकाल लेंगे। इसमें जो धान वगैरह के कण होते हैं वो भी हमें पहले ही साफ़ कर लेने हैं, और इस तरह से दबाते हुए पानी को हमें इनको बाहर निकाल लेना है खीलों को पानी से। नाश्ता हमारा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनेगा, एकदम से चटपटा। खीले तो खाना कोई भी पसंद नहीं करता है। तो चलिए अब हमने क्या किया है, एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक कट करके रखा है, और उसके बाद हमने इसको डाल देना है मिक्सी के जार में। दोस्तों गला थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया है, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं है, तो इसलिए वॉइस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी सुनने में, तो सॉरी चाहती हूँ मैं उस चीज़ के लिए। तो यहाँ हमने एक मिर्च डाल दी है आलू के साथ। जार का ढक्कन कर देते हैं बंद और इसको फाइन पेस्ट बना के रेडी करेंगे। पेस्ट जो हमारा है एकदम से बढ़िया बन चुका है, पेस्ट हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। अब हम इस पेस्ट को निकाल लेते हैं किसी बाउल में। आलू को पीसने के लिए हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, नहीं तो ये काफ़ी पतला हो जाएगा। और अब इसमें हम डाल देते हैं अपनी खीले जो हमने धुल के रखी थी। सारी खीलों को हमें इसमें डाल देना है। पकौड़ी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो मैंने इसमें न तो चावल का आटा लिया है न ही बेसन लिया है, तो आप वीडियो को फुल वॉच करिए मैंने लिया क्या है। तो यहाँ देखिए मैंने डाल दी है थोड़ी सी धनिया पत्ती थी, और थोड़ा सा डाल दिया है एक मीडियम साइज का बारीक कट करके प्याज। और अब हम इसमें डाल देंगे ये 2 से 3 हरी मिर्च है। नाश्ता थोड़ा सा स्पाइसी बना रहे हैं, बच्चों के लिए बनाएं तो ये हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे जीरा 1/2 चम्मच भर के। उसके बाद हम थोड़ा सा डाले लेते हैं इसमें हल्दी पाउडर, कुछ मसाले डालेंगे, और थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर, और थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर, और उसके बाद हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। वीडियो को इसके बिल्कुल ना करिएगा, फुल वॉच करिएगा। और नमक डाल देते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें हमें बाइंडिंग के लिए कुछ डालना पड़ेगा। तो ये मैंने लिया है 2 चम्मच भर के, ये बटर का आटा है, वो आप चने का आटा भी ले सकते हैं, कॉर्न फ्लावर भी ले सकते हैं, चावल का आटा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास ईजली अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और इस तरह से इनको आप मिक्स कर लेंगे। वीडियो को इसके बिल्कुल ना करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ फ्रेंड लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। तो चलिए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल पहले से गर्म होने रख दिया था। छोटी बड़ी जैसी भी आपको पकौड़ी बनानी है आप उस हिसाब से तोड़ सकते हैं। गैस का फ्लेम ऑयल गर्म होने के बाद हमें लो ही रखना है।
ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, अंदर तक एकदम से गोल्डन सिक जाए। बहुत ही क्रिस्पी बनेगा नाश्ता हमारा, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से एकदम से क्रिस्पी, और बहुत ही ईजी तरीके से बनेगा। बहुत ही चटपटा बना है, मीठा खा खा के बोर हो गए हैं, और खीलों का भी सही यूज कर लें तो ज़्यादा बेटर है। इस तरह से आप ब्रेकफास्ट बनाएंगे ना, तो सभी लोग ये कहेंगे कि पूरी खीलों की हमें इस तरह से नाश्ता बना के दे दीजिए, मैं वही खा लूँगा। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट कि हमारा जो नाश्ता है वो बन के रेडी हो गया है। बहुत ही ईजी तरीके से बना है। इसी तरीके से हम पूरे नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बना है और अंदर से एकदम से सॉफ्ट है, ऐसा कि मुँह में रखते ही घुल जाए। तो सारी पकौड़ियों को हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है, और प्लेट में निकालते वक्त आप साउंड सुन पा रहे होंगे कि हमारी पकौड़ी जो है कितनी क्रिस्पी बनी है और बहुत ही यम्मी बनी है। आप सुनिए, आप खुद ही सुनिए, और ये देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट है और बाहर से एकदम से क्रिस्पी है। बहुत ही ईजी तरीके से नाश्ता बन के रेडी हो गया है। तो ट्राई ज़रूर करिए। मेरे तरीके से रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।